योगी राज में एनकाउंटर पर सियासत बदस्तूर जारी है और धड़ाधड़ एनकाउंटर भी हो रहे हैं। पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं और पुलिस की बंदूक से तड़ातड़ गोलियां भी निकल रही हैं, जो कि अपराधियों को ढेर कर रही हैं। इसी बीच एक बार फिर पूरा सूबा बड़े एनकाउंटर से हिल गया। फिर 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है। मंगेश और अनुज के बाद जाहिद यूपी पुलिस की गोली का शिकार बना। गाजीपुर में तड़के सुबह पुलिस ने 1 लाख के इनामी मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू को ढेर कर दिया है। दिलदार नगर इलाके में शराब तस्कर जाहिद की यूपी एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस दौरान जब जाहिद की घेराबंदी की गई तो उसने एसटीएफ और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली मार दी। इस दौरान बदमाश की गोली से 2 पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। उसकी घेराबंदी की तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसकी ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले CSC पर ले जाया गया। वहाँ पर इससे इसको फिर रेफर किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो वहाँ यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। इसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए पुलिस कर्मी ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए बदमाश जाहिद पर 2 RPF जवानों की हत्या का आरोप है। आरोप है कि उसने RPF जवानों को अवैध शराब की तस्करी रोकने पर उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया था। 20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिशकर्ता था, जिसके द्वारा ये घटना कार्य की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है, और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शराब तस्कर जाहिद बिहार के पटना का रहने वाला था। उस पर पुलिस ने जवानों की हत्या के मामले में 1 लाख का इनाम रखा था। बता दें कि यह एनकाउंटर ऐसे वक्त में हुआ है जब सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस केस में अब तक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं, जो पेचीदा सवालों से घिरे हैं। ऐसे में गाजीपुर में हुए जाहिद के एनकाउंटर पर भी राजनीति में उबाल आना लाजमी है।